YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अंजुमन तरक्की उर्दू झारखंड पलामू प्रमंडलीय इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा सरकारी विभागों में लगे नेम प्लेट एवं बोर्ड पर उर्दू भाषा में भी अधिकारियों के नाम तथा पदनाम अंकित कराने हेतु एक स्मारक पत्र आज उपायुक्त अमित कुमार को सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा उर्दू भाषा को तरजीह देने की मांग की गई। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए प्रमंडलीय प्रभारी समी मोहम्मद राइम ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय समेत जिले के सभी कार्यालय बोर्ड पर हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा का प्रयोग भी सुनिश्चित कराने के संबंध में उपायुक्त को पत्र सौंपा गया है। जबकि द्वितीय राजभाषा उर्दू को विभिन्न राजकीय परियोजनों के लिए प्रयोग के संबंध में अधिसूचना जारी किया जा चुका है, जिसका अनुपालन सख्ती से होना चाहिए। मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू के प्रमंडलीय सरपरस्त तौहीद रबानी के अलावे समीम रिजवी, मोहम्मद हसनैन खान सहित संगठन के कई ओहदेदार मौजूद रहे। हम लोग अंजुमन तरक्की उर्दू झारखंड पलामू प्रमंडलीय के सभी ओहदेदारान उपायुक्त पलामू अमित कुमार साहब से मुलाकात किया और इस बात की जानकारी दी कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा द्वारा 2007 में सभी ज़िलों को ये आगाह किया गया था कि चूँकि उर्दू झारखंड का दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वहाँ से नोटिफिकेशन द्वारा जारी कर ये बताया गया था कि सभी ज़िलों में या प्रखंडों में किसी भी कार्यालय में हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी तरजीह देनी है। उर्दू में बोर्ड, नेम प्लेट या दिगर रोड चौराहों पर जो नए नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम का हो या अथवा किसी और चीज़ का हो, इसमें 5-6 बिंदु दिए हुए हैं जिसमें इश्तिहार वगैरह सभी चीज़ शामिल है, उसके बावजूद आज तक के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर हम लोगों ने आयुक्त महोदय से 2014 में मिलकर इस बात की जानकारी दी थी जी। आयुक्त महोदय ने आदेश का पालन करते हुए अपने कार्यालय में हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बोर्ड लिखवा के कार्यालय में तरजीह दिया, जो काबिले तारीफ है। लेकिन आयुक्त महोदय 2014 में तीनों ज़िला पलामू, गढ़वा, लातेहार के उपायुक्त को अपने पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि प्रशासनिक के आधार पर आप अपने सभी कार्यालय प्रखंडों में ये आदेश जारी करें कि हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी नामों को दर्ज कराना है। लेकिन 14 गुजरने के बाद 2016 में फिर दोबारा हम लोग मिले, चूँकि अभी तक किसी भी ज़िले में प्रखंड के किसी भी कार्यालय में उर्दू को तरजीह नहीं दी गई है। इसकी जानकारी जब दी तो 16 में फिर आयुक्त महोदय प्रमंडल द्वारा दोबारा चिट्ठी भेज के अवगत कराया गया। उसके बाद आज 16 से 17 हो गए।